वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस आई थिंक आई एम लाइव नाउ बिल्कुल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल कैसे हैं गाइस आप आप सभी लो? आप सभी लोग मैं सचिन अरोड़ा का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो गाइस एक बार फिर से हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और इमेज में देखा होगा कि ये सेशन रहने वाला है वायरस और मेलवियर से रिलेटेड देखिए अगर वायरस और मेलवेयर की बात करें तो अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो भी क्यों ना क्योंकि सभी एग्जामिनेशन में वायरस और मेलवेयर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आप लोग ने अगर मेरे एमसीक्यूज के सेशन को अटेंड किया होगा कई सारे जो मैं क्वेश्चन आंसर्स के सेशन लेता हूं या और भी सेशन लेता हूं तो वहां पर कहीं ना कहीं हम लोग वायरस और मेलवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आज हमने सोचा क्यों ना आपको एक कंप्लीट पैकेज दिया जाए जहां पर जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कॉन्सेप्ट वाइज उन सबको हम जानेंगे और क्वेश्चन वाइज उन सबको हम लोग यहां पर जानेंगे और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे तो आई थिंक आप सब लोग यहां पर तैयार हैं बिल्कुल इस सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी आप अपने फीडबैक को जरूर दीजिएगा तो बिल्कुल यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं दीपांशु शर्मा अपर्णा रेतु सिंह अक्षय आरती आप सभी का स्वागत है गाइस तो देखिए वायरस और मेलवियर में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहली चीज तो हम यही डिस्कस करें जो आपके सामने लिखा है देखिए सबसे ब्रॉड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो कैटेगरी है आपकी मैलवेयर यानी वायरस किसके अंदर आता है तो आंसर है मैलवेयर के अंदर ही आता है सिर्फ वायरस नहीं वायरस कहिए वॉर्म कहिए ट्रोजन कह लीजिए रैंसमवेयर कह लीजिए ये जितने भी आपके नेगेटिव सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं गाइस मैलवेयर होते हैं तो इसका मतलब यहां पर टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए मैलवेयर होना चाहिए लेकिन आपको समझ में आ जाए टॉपिक वायरस और मेलवेयर से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम कुछ इस तरीके से दिया गया तो आपने आज यह सबसे पहले समझा कि मेलवेयर एक ब्रॉड कैटेगरी है और इसी के अंदर ही सब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं हैं हम इनको क्यों कह रहे हैं? इस बात को भी जरा समझिए देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो कौन बनाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आप कह सकते हैं प्रोग्रामर बनाता है अब प्रोग्रामर देखिए दो तरीके के होते हैं या तो बहुत शरीफ होंगे शरीफ होंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे जो काफी काम का होगा जिसको कई लोग यूज करेंगे जैसे एमएस ऑफिस जैसे प्लेटफॉर्म टैली जैसे प्लेटफॉर्म है ना या फिर कई और सॉफ्टवेयर जो हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो निगेटिव काम करेंगे उसको कुछ निगेटिव लोग बना रहे होंगे जिनको हम लोग कहते हैं प्यार से। तो इसका मतलब कि निगेटिव सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं अब देखो लाइफ को जीने का दो ही तरीका है या तो शॉर्ट ट्रिक अपनाओ है ना या तो लाइफ जैसी चल रही है उसको उसी में ही एंजॉय करो तो कुछ लोगों को शॉर्ट ट्रिक ज्यादा पसंद होती है ना तो जिनको शॉर्ट ट्रिक पसंद होती है और कुछ समय में ही वो पैसा कमाना चाहते हैं तो सोचते हैं कुछ डिस्ट्रक्टिव बनाया जाए कुछ खतरनाक बनाया जाए कुछ निगेटिव किया जाए तो ऐसे लोग निगेटिव करने की कोशिश में मेलिशियस सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हैकिंग जैसे काम को अंजाम देते हैं है ना आप लोग जानते हैं हैकिंग क्या होता है और किस तरीके से ये लोग बहुत तेजी से पैसा कमाते हैं है ना नो डाउट फिर उसके बाद कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं लेकिन हमारे देश में अगर हम बात करें तो हैकिंग को हैकिंग नहीं इथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इसलिए को मोटिवेट भी किया जाता है आप जानते हैं कि हैकिंग के केस में मैक्सिमम दो साल की सजा हो सकती है या तीन साल तक मैक्सिमम कहा गया है कि नॉट मोर देन थ्री और अगर हम यहां पर अमाउंट की बात करें तो दो लाख रुपए मैक्सिमम फाइन होता है हैकिंग के केस में अगर कोई पकड़ा जाए तो तो इसका मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सरकारें या किसी भी देश की सरकार ऐसे लोगों को मोटिवेट करती है जो कहीं ना कहीं हैकिंग में इन्वॉल्व हैं और हो भी क्यों ना क्योंकि कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते यानी अपने देश में नुकसान नहीं पहुंचाते है ना ये दूसरे देश के लोगों के जेबों को खाली करते हैं है ना तो इसमें सरकारें कहती हैं बहुत बढ़िया आप हमारे देश के लिए काम करिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है राइट right? तो चलिए इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर आज हम लोग बात करेंगे लेकिन हम लोग हर एक क्वेश्चन की भावना को भी समझते हुए चलेंगे यानी फीलिंग्स को भी समझते हुए चलेंगे यानी ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है और ये आंसर अगर है तो ये क्यों है तो इससे हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ हम एग्जाम रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे से लगा पाएंगे तो बिना किसी देरी के चलिए और चलते हैं देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से समझेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन पर आएंगे फॉलोइंगस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है देखो मेलिशियस का मतलब होता है कोई रॉन्ग एक्टिविटी करना दैट इज कॉल्ड मेलिशियस तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है इनलीगल वेयर बैडवेयर मेलवेयर मेलिशियस वेयर या वायरस बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेलवियर इज दी करेक्ट आंसर का इस द करेक्ट आंसर इज मेलवियर अगर मेलवियर की फुल फॉर्म में हम आए तो मेलवियर की फुल फॉर्म होती है मेलिशियस सॉफ्टवेयर और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके निगेटिव सॉफ्टवेयर होते हैं चाहे वो वॉर्म हो या फिर वायरस हो या ट्रोजन हो या रैंसम हो या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो इन सबको मेलवियर कैटेगरी में ही रखा जाता है अगला क्वेश्चन रोट दस्ट कंप्यूटर वॉर्म प्रोग्राम कंप्यूटर का जो वार्म प्रोग्राम है वार्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी इसको किसने बनाया बॉब थॉमस मार्कस हेस रे टॉमलिनसन क्लिफ फोल्ड स्टॉल या टिम बर्नर्स ली तो याद रखिएगा वॉर्म क्या है इनको बनाने वाले पर्सन है मिस्टर रे टॉमलिनसन आपको शायद पता होगा कि ईमेल की खोज भी किसने की थी रे टॉमलिंसन जी ने ही की थी है ना तो ईमेल का पूछा जाए या फिर वॉर्म पूछा जाए इन दोनों ही केस में आंसर रे टॉमलिनसन होगा लेकिन याद रख रखिएगा कि ईमेल के केस में एक बड़ा नाम और भी निकल के आता है और वो है मिस्टर शिवा अय्या दुरई क्लियर है गाइस अब वॉर्म पर थोड़ा सा रोशनी एक बार हम लोग डालते हैं कि वॉर्म बेसिकली क्या होता है वार्म और वायरस में एक छोटा सा अंतर है जिसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए बहुत काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में भी सेल्फ मैनीटिंग नेचर का होता है और वायरस सेल्फ रेप्लीकेटिंग नेचर का नहीं होता है यानी दोनों में एक बड़ा अंतर क्या है वार्म सेल्फ रेप्लीकेट होता है वायरस सेल्फ रेप्लीकेट नहीं होता दूसरा सबसे बड़ा अंतर वार्म बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के काम करता है यानी ह्यूमन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट वॉर्म में नहीं होती जबकि वायरस तभी एक्टिवेट होता है जब ह्यूमन के द्वारा कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट जैसे अगर आप फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और उस फाइल में अगर कोई अटैक हुआ है तो वायरस एक्टिव हो जाएगा या आप सिस्टम को रिबूट करेंगे या सिस्टम को ऑन करेंगे उस समय वायरस एंटर होगा तो यानी वायरस में हमेशा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मस्ट है लेकिन वार्म में ऐसा कुछ भी नहीं वार्म में बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ये अपनी कई सारी कॉपीज को क्रिएट करता है स्टैंड एलोन फॉर्म में ये काम करता है इसलिए इसे वॉर्म के फॉर्म में कहते हैं अब शायद आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सर वायरस ज्यादा खतरनाक है या वॉर्म ज्यादा खतरनाक है वायरस को रोकना पॉसिबल है आप जानते हैं उसके लिए एंटीवायरस बना है लेकिन वॉर्म को रोक पाना ये असंभव है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में वॉर्म कब एंटर हो गया और इसने कब अपनी कॉपीज को क्रिएट कर दिया तो इसको रोक पाना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है कई सारे मेजर्स किए जाते हैं लेकिन फिर भी 90% परसेंट तक इंपॉसिबल है 10% परसेंट तक जरूर कोई ना कोई मेजर्स करके रोकने की कोशिश की जाती है क्लियर है गाइस अगला क्वेश्चन नेम द फर्स्ट वायरस सबसे पहले वायरस का नाम बताइए एंड द करेक्ट आंसर इज गाइस क्रीपर दुनिया का सबसे पहला वायरस और इसका नाम है क्रीपर याद रखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नेम द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन होता है जब पहला वायरस पूछा जाता है कई लोग ब्रेन लगाकर आते हैं जबकि उनको पता नहीं होता कि ब्रेन आपका सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस है याद रखिएगा इस बात को ब्रेन इज योर फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस क्लियर क्या यहां तक बात क्लियर हो गई आपको चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन मैक एफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक एफ किस तरीके का एग्जाम्पल है ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है बिल्कुल नहीं क्विक हील है नहीं वायरस है बिल्कुल नहीं एंटीवायरस है बिल्कुल सही यानी मैक एफ इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप जानते हैं क्विक हील भी क्या है यह भी आपका एंटीवायरस है तो इन द सेम वे मै भी आपका एंटीवायरस है क्लियर है आप जानते हैं कई सारे एंटीवायरस आते हैं जिसमें भी भी काफी इंपॉर्टेंट है है क्विक हील आपका एवीजी भी है भी है ना तो यह काफी इंपॉर्टेंट आपके एंटीवायरस के नाम बनते हैं सॉफ्टवेयर प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट देखो मैंने पहले ही कहा था कि हम हर एक क्वेश्चन की भावना को भी समझते हुए चलेंगे ना तो देखो इस क्वेश्चन की फीलिंग क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने आप को बड़ा यूजफुल दिखाता है लेकिन होता नहीं ऐसा जो अपने आप को शरीफ दिखाता है लेकिन होता नहीं इस तरीके का सॉफ्टवेयर क्या है तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को करेक्ट आंसर है ट्रोजन इनको ट्रोजन कहते हैं जो अपने आप को काफी शरीफ प्रिटेंड करते हैं काफी यूजफुल बताते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है और इस क्वेश्चन को डबल मार्क कर लीजिए स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अगला क्वेश्चन अनसोलिसिटेड अनसोलिसिटेड कहें या कहें या अनचाहे मेल कहें यानी ऐसे मेल जो बिना आपकी परमिशन के आते हैं उनको अनवॉन्टेड कहते हैं या इंग्लिश में उनको अनसोलिसिटेड कहा जाता है तो ऐसी मेल को क्या कहते हैं आई थिंक आप सब इसके आंसर को जानते होंगे दिस टाइप ऑफ मेल इज कॉल्ड स्पैम ऐसे मेल्स को क्या कहते हैं गाइस स्पैम कहते हैं स्पैम मतलब कौन भेजता है आपको स्पैम और आपको कैसे ये लगता है कि आपको मेल किसके थ्रू आते हैं आप तो ईमेल आईडी किसी को देते नहीं तो फिर आपके पास स्पैम कैसे आते हैं तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि आप अपनी ईमेल आईडी देते हैं स्कूल को कॉलेजेस को कंपनीज को कई जगह पे रजिस्टर करते हैं और वो आपकी ईमेल आईडीज़ को बेच देते हैं किसी गलत हाथों में और फिर वो आपको एडवर्टाइजमेंट देते हैं और अलग अलग तरीके से आपके डेटा को भी चुराने की कोशिश करते हैं दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। वायरस विच एग्जीक्यूट वेन कंप्यूटर स्टार्ट इस वो वायरस जो तब एग्जीक्यूट होता है तब काम करना शुरू करता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऐसा वायरस गाइस क्या कहलाता है यह आपको बताना है ऑप्शन है मेक्रो फाइल इनफेक्टर बूट सेक्टर मैक्रो वायरस या ट्रोजन होर्स बताइएगा बिल्कुल सही गाइस जब आप अपने कंप्यूटर को अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल फोन को जब ऑन करते हैं उस समय जो वायरस एग्जीक्यूट होता है यानी आता है दैट टाइप ऑफ वायरस इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस है याद रखिएगा इसको यानी ये आपकी बूटिंग के टाइम पर इंपैक्ट करता है कई बार आपने देखा होगा कि जो मोबाइल होते हैं वो बूट नहीं हो पाते और बूटिंग टाइम पर ही बार बार रीलोड होते हैं और जब आप इसको लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर पे तो आपको पता चलता है कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया है तो वो ओएस उड़ा नहीं होता उस ओ में वायरस इन्फेक्ट हुआ होता है और वो वायरस आपका होता है बूट सेक्टर वायरस अगला क्वेश्चन द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वो वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंपैक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहां पर मतलब है एमएस ऑफिस से क्योंकि ज्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर है ये एमएस ऑफिस पर ही इंपैक्ट डालता है और आप जानते हैं एमएस वर्ल्ड एक्सेल और पावर पॉइंट ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं तो इनमें इंपैक्ट डालने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है ये आपको बताना है गाइस और इस क्वेश्चन पे भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो वायरस क्या कहते हैं गाइस मैक्रो वायरस एक लाइन में डेफिनेशन वो वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंपैक्ट करते हैं उनको मैक्रो वायरस की कैटेगरी में रखा जाता है क्या यह बात क्लियर है वेरी गुड अगला क्वेश्चन नेम द सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो अपनी कई सारी कॉपीज बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट क्लियर किया था कि वायरस और वॉर्म में क्या अंतर होता है वायरस अपनी कॉपीज नहीं बनाता है और जबकि वॉर्म अपनी कॉपी यानी रेप्लिकेट करता है तो आंसर यहां पर होगा राइट वंस रीड मेनी लेकिन कई बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कई बार कई एग्जाम में आंसर वायरस भी देखा गया है लेकिन वो कब होता है ये भी मैं आपको बता दूं वो तब होता है जब वॉर्म ऑप्शन में नहीं होता तब इस केस में आंसर वायरस भी दे देते हैं लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो आंसर इसका वार्म बिल्कुल सही है वायरस नहीं होना चाहिए लेकिन किंतु परंतु एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा गाइस कि अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो इस केस में आप किसके पास जाएंगे वायरस के साथ में जाएंगी है ना ऐसा क्यों होता है इसका आंसर मेरे पास में नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्लियर है लेकिन कई सारे एग्जाम में ऐसा देखा गया है अगला क्वेश्चन नेम द वायरस दैट डिप्लॉय एंड स्टे इन रैम ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमित कुमार वर्मा जी कोई बात नहीं आप लेट हो गए है ना बाद में देख लेना सेशन को अभी से आप ज्वाइन करिए जो टेन क्वेश्चंस आपने डिले कर दिए है ना वो बाद में देख लीजिएगा नो इश्यू नेम द वायरस दैट डिप्लॉय एन स्टे इन रैम वो वायरस जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टे करता है उसे क्या बोलते हैं ये आपको बताना है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्रिप्टो वायरस डिफेक्टो वायरस या मेलवियर बिल्कुल गाइस याद रखिएगा रैम में रहने वाला और डिप्लॉय होने वाला ये दोनों ही केस अगर आपको मिलें तो आंसर होगा रेसिडेंट वायरस आप जानते हैं रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी भी होती है क्योंकि करंट ऑपरेशन जो आपके होते हैं वो कहां पर होते हैं रैम में ही होते हैं तो अगर डिप्लॉय और स्टे दोनों मिल जाए तो आंसर होगा रेसिडेंट वायरस लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो जैसे नेम द वायरस दैट डिप्लॉय इन रैम बट नॉट स्टे इन रैम यानी एक ऐसा वायरस जो रैम में गया तो है जिसने रैंडम एक्सेस मेमोरी को खराब तो किया है लेकिन उसमें रहा नहीं है फिर उसने रैम को छोड़ दिया है और किसी दूसरी जगह इंपैक्ट डाल दिया है तो ऐसे वायरस को जो रैम में रहते नहीं लेकिन डिप्लॉय यानी रैम को खराब कर देते हैं ऐसे वायरसेस को नॉन रेजिडेंट वायरस की कैटेगरी में रखते हैं इस बात को याद रखिएगा यानी डिप्लॉय और स्टे दोनों आए तो रेजिडेंट होगा सिर्फ डिप्लॉय आए तो आंसर क्या होगा नॉन रेसिडेंट होगा क्लियर है अगला क्वेश्चन नेम दैट मैलवियर माफ करिएगा नेम में ई छूट गया है नेम दैट मैलवेयर टेक्निक विच टेक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन अगेन गाइज मैं यहां पर आपसे एक ही बात कह रहा हूं भावनाओं को समझिएगा क्वेश्चन की यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेने की कोशिश यहां पर की जा रही है यानी आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इसका मतलब सीधे सीधे ये क्वेश्चन किससे है बैंकिंग सेक्टर से है तो बैंकिंग सेक्टर में होने वाले जितने भी मेलिशियस अटेम्प्ट जितना भी फ्रॉड है उसको क्या बोलते हैं फिशिंग ट्रोजन रैंसम बिटकॉइन या इनक्रिप्शन जल्दी से बताइए बिल्कुल शायरा हार्दिक जी बिल्कुल बिल्कुल सही गाइस दिस इज कॉल्ड फिशिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस फिशिंग बोलते हैं इस क्वेश्चन को खास तौर पे याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए बैंकिंग में होने वाले डिजिटल फ्रॉड को क्या कहते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में होने वाले फ्रॉड को क्या कहते हैं या धोखाधड़ी जैसे टर्म का यूज हो यानी इंग्लिश में फॉल्सिफिकेशन कहा जाता है है ना तो फॉल्सिफिकेशन जैसे टर्म का यूज हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे टर्म्स का यूज हो बैंकिंग जैसे टर्म का यूज हो तो आप समझ जाइएगा कि सचिन सर ने बताया है आंसर क्या होगा फिशिंग होगा फिशिंग होता क्या है एक तरीके से वेबसाइट को क्लोन कर लिया जाता है जैसे फेसबुक जैसी ही दिखने वाली वेबसाइट अगर आप बनाएंगे और वो किसी के सिस्टम पे आप क्या कर देंगे डिप्लॉय कर देंगे है ना तो इस केस में जो आपका फ्रॉड होगा जो क्राइम होगा दिस इज कॉल्ड फिशिंग अटैक इस तरीके का अटैक आपका फिशिंग कहलाता है बात क्लियर हुई अगला नेम द अटैक इन विच अटैकर्स ओवरलोड कंप्यूटिंग और नेटवर्क रिसोर्स वो अटैक जो अटैकर करता है देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है समझो इसको यहां पर बात हो रही है नेम द अटैक इन विच अटैकर ओवरलोड कंप्यूटिंग और नेटवर्क रिसोर्सेस यानी ओवरलोड कर देता है नेटवर्क में रिक्वेस्ट को कैसे सपोज करिए कि आप गूगल पर गए और आपने गूगल पर लगातार कम से कम एक लाख सर्च कर दी एक साथ है ना एक करोड़ सर्च कर दी और ये कैसे किया जाता है कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से रिक्वेस्ट को भेजा जाता है बहुत तेजी के साथ तो गूगल का सर्वर क्या होगा एक पार्ट पे हैंग हो जाएगा वो कहेगा सॉरी इतनी सारी रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके के अटैक को क्या कहा जाता है गाइस दिस टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस डी ओ एस के नाम से ये जाना जाता है याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस या कई बार इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के नाम से भी जाना जाता है जिसको इन शॉर्ट डी डी ओ एस कहते हैं क्लियर है अगला क्वेश्चन डैश मॉनिटर द यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन दैकग्राउंड समवन एल्स बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है अगर आप यह समझ गए तो इसका आंसर आपके पास आ गया मॉनिटर करने का मतलब निगरानी हिंदी में बोले तो यानी हिंदी में अगर कहीं भी आपको निगरानी टर्म मिल जाए और इंग्लिश में मॉनिटर दिख जाए तो यानी इसका मतलब क्या है कि आप किसी को मॉनिटर कर रहे हैं किसी की निगरानी कर रहे हैं किसी को देख रहे हैं छुप छुप के देखना है ना तो ये क्या है कोई आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को छुप छुप के देख रहा है मॉनिटर कर रहा है निगरानी कर रहा है दिस तो आपको मॉनिटर निगरानी जैसे शब्द मिल जाए स्निफर आंसर होगा इसका एक क्वेश्चन और भी आता है कि फोन टैपिंग का नाम आपने सुना होगा फोन वायर टैपिंग है ना जैसे कई पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि आपके फोन को टैप कर लिया जाता था है ना आपके फोन की जो बातें हैं वो कोई दूसरा सुन रहा है छुप छुप कर तो दिस टाइप ऑफ अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्निफिंग और ये टर्म आया कैसे स्निफर डॉग्स आपने सुना होगा है ना जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि कहां पर कौन सा क्राइम हुआ है कहां पर बम है है ना आप जानते हैं पुलिस वाले लेकर घूमते हैं अपने साथ में ऐसे कुत्तों को है ना तो दिस दिस इज कॉल्ड स्निफर्स सूंघने वाले तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन कंप्यूटर में क्या है मॉनिटर करने से है या फिर फोन टैपिंग से है बात क्लियर हो गई अगला क्लियर है ठीक चलो अगला देखो सारे टर्म एक एक क्लियर होंगे है ना जो स्पाइवियर कह रहे हैं उनको पता चलेगा अभी स्पाइवियर होता क्या है है ना तो देखते रहो इट इज द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग द कीज स्ट्रक ऑन अ कीबोर्ड ये एक एक्शन है कीज को रिकॉर्ड करने का जैसे कि आप एटीएम में गए और एटीएम में कीबोर्ड के नीचे एक की और लगा हुआ था जिसमें जब आपने पिन एंटर करी वो आपके पिन के स्ट्रोक्स रिकॉर्ड हो गए तो ऐसे अटेम्प्ट को क्या बोला जाता है ये आपको बताना है गाइस एंड द करेक्ट आंसर इज क्या है इसका सही जवाब बिल्कुल सही द करेक्ट आंसर इज कीलॉगिंग तो आपकी कीज के रिकॉर्ड करने के लिए कीज की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए कीलॉगर्स का यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन ट काइंड ऑफ इज़ मेड बाई इंडिविजुअल टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन बाई फॉल्सिंग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कहीं पर भी फॉल्सिफिकेशन जैसा टर्म मिल जाए यानी धोखाधड़ी जैसा टर्म मिल जाए तो आंसर क्या होना चाहिए डेबिट कार्ड मिल जाए क्रेडिट कार्ड मिल जाए बैंक लिखा मिल जाए बैंक फ्रॉड लिखा मिल जाए फॉल्सीफिकेशन लिखा मिल जाए

विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर दी कॉमन टारगेट ऑफ इंजेक्शन वर्नरबिलिटी वेरी गुड इंजेक्शन का मतलब क्या होता है देखो इंजेक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट जो रोक दी गई कुछ ऐसा डेटा जिनको ले पाना काफी मुश्किल था इंटरनेट पर लेकिन उनको ले लिया जाता है वेबसाइट को ब्रेक कर लिया जाता है डेटा को हैक कर लिया जाता है और यह सब किया जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन के द्वारा किसके द्वारा एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का एक इंजेक्शन लगाया जाता है यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जाता है जिसके थ्रू वो जो वनरेबिलिटी है वो सिक्योरिटी है वो टूट जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन तो याद रखिएगा इंजेक्शन के केस में हमेशा एसक्यूएल होगा अगला क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट टेक्स योर डेटा होस्टेज अंटिल यू पे अ फी टू रिलीज इट बताइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जल्दी बताइए इसका आंसर दीपांशु जी कह रहे हैं मेलवियर के एग्जाम्पल बता दीजिए मेलवेयर के देखिए एग्जाम्पल क्या है यानी वो जो जिसको आप रिजोल्व ना कर पाओ जिसका कोई तोड़ नहीं है ना आप देखेंगे आगे एग्जाम्पल बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे आप एक नाम इसका आता है रैनसम वियर है ना ये भी अपने में क्या है इसका भी कोई एक कहें तो बहुत अच्छा इलाज नहीं है क्योर नहीं है रैनसम को भी रोका नहीं जा सकता ये भी सेल्फ रेप्लीकेटिंग होता है तो वो चीजें जिनको रोक नहीं सकते है ना दैट दैट इज वॉट वी कॉल्ड मेलवियर देखो क्या है डैश इज अ टाइप ऑफ मेलवियर दैट टेक्स योर डेटा होस्टेज फिरती मांगता है ना फाइल को ओपन करने के लिए तो ऐसे अटेम्प क्या हैं जो आपकी फाइल को लॉक कर देते हैं और फिर आप ही की फाइल को करने के लिए कुछ रकम मांगता है फिरती मांगता है बिल्कुल सही गायज दैनसमेयर याद रखिएगा नाइनटीन में रैनसम वेयर को बनाया गया नाइनटीन में पहला रैनसम देखा गया जिसका नाम था एड्स ए आई डी एस के नाम से एड्स के नाम से पहला 1989 में लाया गया क्लियर है और 2017 में सबसे बड़ा अटैक देखा गया रैनसमेयर का जिसको वोना क्राई के नाम से जानते हैं वोना क्राई के नाम से जानते हैं यह सबसे बड़ा अटैक था जिसने कई सारी कंट्रीज पर अपना असर दिखाया और कई बहुमूल्य डेटा को चुराया क्लियर है अगला क्वेश्चन विच ऑफ दैलवियर डू नॉट रेप्लीकेट और रिप्रोड्यूस ऐसा कौन सा मेलवियर है जो रेप्लीकेट नहीं होता जो अपनी कई सारी कॉपीज़ नहीं बनाता जो रिप्रोड्यूस नहीं होता बताइए बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज ट्रोजन तो ट्रोजन मेलवियर की कैटेगरी में नहीं आता यह याद रखिएगा यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ऐसा मेलवियर जो रेप्लीकेट ना हो जो अपनी खुद की कॉपीज ना बनाए दैट इज कॉल्ड ट्रोजन क्लियर है याद रखिएगा क्या है? Firmware है, फर्मवेयर एंटीवायरस है स्पाईवेयर है फर्मवेयर है या ऑल ऑफ दिस तो की लॉगर गाइस क्या है दिस इज अ स्पाईवेयर। मैंने आपको पहले ही बताया है स्पाई का मतलब क्या होता है एक तरीके से दूरबीन लगाना है ना स्पाई करना तो की लॉगर के थ्रू क्या होता है आपकी कीज की एक्टिविटीज को ले लिया जाता है और कीलॉगर किस तरीके का फ्रॉड है किस तरीके की एक्टिविटी है तो आंसर है स्पाइवेयर टाइप की एक्टिविटी है इस्तेमाल होता है किस परपज से फायर वॉल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है फायर वॉल से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार तो फायरवॉल किससे प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को डेटा ड्राइवन अटैक से फायर अटैक से वायरस अटैक से अनऑथोराइज एक्सेस से या ऑल ऑफ़ तो बिल्कुल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि फायरवॉल क्या है बताइएगा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है बोथ ऑफ दीज है नेटवर्किंग डिवाइस है या ऑल ऑफ दीज है बताइए फटाफट इमरान जी अभी पता चलेगा किसमें आएगा ये साइबर बुलिंग में आता है ना ओ टीपी स्कैम आप पूछ रहे हो दिस इज कॉल्ड साइबर बुलिंग बिल्कुल बिल्कुल सही गाइस क्वेश्चन मैंने पूछा था फायरवॉल क्या है तो याद रखिएगा इसका आंसर है दिस इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर हार्डवेयर और दोनों दोनों हैं हैं तो आंसर होगा बोथ ऑफ कैसे है? याद रखिए एक डिवाइस मिलती है फायर की जिसको आप नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर क्यों है क्योंकि कंट्रोल क्यों पैनल में जाकर आप फायरवॉल को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर भी है ये हार्डवेयर फॉर्म में भी है तो इसका जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर बनेगा बोथ ऑफ दीस वेरी गुड अगला क्वेश्चन व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज नोन एज कह रहा है लॉजिक बम एक्टिवेट होता है टाइम के अकॉर्डिंग यानी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या मेलवेयर हैं आप कह सकते हैं जो टाइम बेस एक्टिवेट होते हैं जो समय के अकॉर्डिंग एक्टिवेट होते हैं जैसे आपने एक टाइमर के साथ में एक सॉफ्टवेयर बनाया और कहा कि ये तीन दिन के बाद असर दिखाना शुरू करे जैसे हार्डवेयर के, के केस में होता है कई बार हार्ड डिस्क के, के केस में होता है कई बार है ना दो साल का टाइमर लगा के दे दिया जाता है और दो साल के बाद आपकी हार्ड डिस्क चलना बंद हो जाती है ऐसा कई कंपनीज करती हैं है ना तो ये क्या है ये टाइम बेस आपका सॉफ्टवेयर काम करता है जिसको टाइम बम के नाम से जाना जाता है दिस इज कॉल्ड Time Clear है अगला so यानी के साथ कुछ, कुछ चेंज करना जिससे कि वो कोई यूज ना कर पाए उस डेटा का कोई इस्तेमाल ना कर पाए इस टेक्निक को क्या बोलते हैं बिल्कुल सही दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन तो आप देखते हैं व्हाट्सएप में भी लिखा हुआ आता था कि आपका डेटा क्या है इनक्रिप्टेड है और व्हाट्सएप भी कहता था चिल्ला चिल्ला के कि डेटा क्या है इनक्रिप्टेड है टेलीग्राम भी कहता है कि डेटा क्या है इनक्रिप्टेड है यानी आपका डेटा सिर्फ आपके और जिसको आपने भेजा उसको पता है और किसी को नहीं पता है ना तो इनक्रिप्शन मतलब आपके डेटा को बदल दिया जाता है जब नेटवर्क में पास किया जाता है और जिसको आप मैसेज भेजते हैं वही आपके डेटा को डिक्रिप्ट कर पाता है और कोई दूसरा उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता अगला क्वेश्चन वायरस की फुल फॉर्म बताइए आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज यानी थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब है याद रखिएगा वी का मतलब वाइटल आई का मतलब आर का मतलब 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 आर रिसोर्स यू मतलब अंडर और एस मतलब सीज यानी आपकी कीमती इंफॉर्मेशन सीज का मतलब किसी गलत हाथों में है ना तो इसका मतलब कि आपकी जो क्रूशल इंफॉर्मेशन है वो खतरे में पड़ चुकी है दिस इज कॉल्ड वायरस अटैक विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नाउ नॉट अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन नहीं है बताइए गाइस सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बताइए देखिए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर की बात यहां पर हो रही है ड्रॉप बॉक्स क्लाउड सॉफ्टवेयर है गूगल ड्राइव गूगल का है वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है आई ड्राइव एप्पल का है मैकेफी ये आपका एंटीवायरस है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं तो यानी आंसर क्या होगा गाइस मैकेफी यहां पर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज नहीं है ये क्या है ये एंटीवायरस का नाम है क्लियर अगला क्वेश्चन इट इज स्टीलिंग आइडियाज और क्रिएशन ऑफ अदर्स आइडिया को चुराना या किसी दूसरे के डेटा को चुराकर अपना पेश करना है ना जैसे कई लोग होते हैं जो दूसरे के डेटा को चुरा लेते हैं और कहते हैं कि ये डेटा मेरा है ना ऐसा आपने कई बार देखा होगा कई लोग अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं है ना इसी तरीके से दूसरे के डेटा को चुरा चुरा कर तो इसको क्या बोलते हैं वॉट इज दिस टाइप ऑफ एक्ट इज कॉल्ड बिल्कुल सही गाइस दिस इज कॉल्ड किसी दूसरे के टेक्स्ट यानी डेटा को चुरा कर अपना बताना इसे कहते हैं और आपको मैं बता दूं कि चेकर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये एस टूल होता है है ना जिसके थ्रू ये पता लग जाता है कि किसने किसकी वेबसाइट के कंटेंट को उठाया है है ना तो ये इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं प्लेग्रिज्म चेकर आप लोग नेट पे जाके देखेंगे अगर लिखेंगे प्लेग्रिज्म चेकर तो आपको मिल जाएगा और वहाँ अगर आप किसी भी डेटा को डालेंगे कहीं से कॉपी करके तो वो बता देगा कि ये डेटा किस वेबसाइट का है है ना इतना स्मूथली काम करता है प्लेग्रिज्म चेकर अगला क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रेप्लीकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉज डैमेज टू फाइल एंड सिस्टम यानी इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है हम आपको कई बार बता चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर सेल्फ रेप्लीकेट कर रहा है और डैमेज कर रहा है फाइल्स को यानी आंसर क्या होगा वार्म होगा अगर वार्म नहीं होता तो सेल्फ रेप्लीकेटिंग में आंसर क्या लगाते वायरस लगाते है ना क्यों ये भी मैंने बताया ऐसा क्यों आंसर होगा वॉर्म राइट वंस रीड मैनी अमित कुमार वर्मा जी करें साहित्यिक चोरी क्या बात इतनी शुद्ध हिंदी चलो बहुत बढ़िया साहित्यिक चोरी <laughs> चलो विच ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंप्यूटर तो ये क्या है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल किया जाता है आपके कंप्यूटर को ट्रैक योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट आप इंटरनेट पर क्या क्या कर रहे हैं इससे पता चलता है एंड सेंड यू पॉपअप और आपको पॉपअप भी भेजा जाता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं कॉन्टेनिंग एडवर्टाइजमेंट, रिलेटेड टू दी साइट एंड टॉपिक्स यू हैव विजिटेड, शानदार यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी इंटरनेट की हैबिट यानी इंटरनेट की गतिविधियों को ट्रैक करता है ना और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट भेजता है तो इस तरीके के बेहतरीन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं गाइस बताइएगा <laughs>

कई बार ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं और कई बार ये अपने साथ वायरस भी लेकर आते हैं जैसे आप इनको क्लोज कर देते हैं और कई बार ये क्लोज करने पर भी आपके सिस्टम पर एक्टिव हो जाते हैं है ना क्योंकि ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो प्रोग्रामिंग कैसे कर रहा है वो एक्सेप्ट पर भी कोड वही डालता है और क्लोज करने पर भी कोडिंग वही डालता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें इन दोनों ही केस में क्या होगा एक्सेप्ट होगा है ना तो इस तरीके के भी एडवेयर आते हैं जो काफी शानदार रिस्की होते हैं अगला गाइस वी सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिजाइंड टू एक्सप्लोय अ कंप्यूटर यूजर एंड इज अ ब्रॉड टर्म कवरिंग कंप्यूटर वायरस वॉर ट्रोजन एडवेयर एटीसी वाह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझिएगा ये एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर यूजर के द्वारा और यूजर की इंफॉर्मेशन को चुराने के मकसद से और ये एक ब्रॉड टर्म है किसका वायरस भी इसके अंदर आता है वॉर्म भी इसके अंदर आता है ट्रॉजन भी इसके अंदर आता है एडवेयर भी इसके अंदर आता है तो ये सब जिसके अंदर आता है वो डिब्बा क्या है वो बकेट क्या है वो बाल्टी क्या है उस बाल्टी का नाम बताइए बिल्कुल सही दैट बाल्टी दैट बकेट इज कॉल्ड मेलवेयर है ना तो आंसर है यहां पर मेलिशियस सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेलवेयर यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर ही ब्रॉड टर्म है और इसी के अंदर सब आते हैं क्लियर है हैंस निधि मीना जी कह रही हैं एस, एस बी पीओ में दिमाग खराब हो गया <laughs> देखिए एस पीओ का जो एग्जाम हुआ है है ना ये देखो आरबीआई लेवल का एग्जाम एक तरफ से होता है इतना आसान नहीं होता है, एस पीओ लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कट ऑफ इसकी वैसी ही जाती है जैसे एग्जाम होता है चलो नो नीड टू वरी एट ऑल दे आर कंप्यूटर किया जाता है अटैकर्स के द्वारा टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को उसको दे बैठते हैं एडमिन राइट right, समझ रहे हैं ना कि आप जिस ग्रुप में एडमिन हैं, आप जिस कंप्यूटर के एडमिन हैं, वो राइट ही उसके पास चले गए तो इस तरीके के शानदार अटैक को क्या कहते हैं बैकडोर रूटकिट मेलवियर एंटीवेयर या बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज रूट किट ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं गाइस? दिस इज कॉल्ड इसको रूटकिट के नाम से हम लोग जानते हैं याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट को देना रूट किट कहलाता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगला क्वेश्चन द अटैक दैट फोकस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क ट्रांसमिटेड बाई अदर नेटवर्क अब चलो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को ये एक अटैक हो रहा है दैट फोकस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट फ्रॉम दी नेटवर्क और ये आपके नेटवर्क में जो डेटा है वो आप जानते हैं पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है ये आप लोगों ने ओ मॉडल में भी पढ़ा कि जो थर्ड लेयर होती है वो पैकेट के साथ डील करती है है ना जहां पे राउटर की बात होती है यानी पहली लेयर फिजिकल दूसरी डेटा लिंक और तीसरी नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है अब कोई एक ऐसा अटैक जो कह रहा है ये पैकेट मुझे दे दो ठाकुर जो पूरे पूरे पैकेट ले जाना चाहता है हल्का तो नहीं होगा ऐसा अटैक तो बताओ भाई कि इस तरीके का अटैक क्या होता है बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब फिशिंग ईव्स ड्रॉपिंग स्कैम एक्सप्लॉइट या डिनाइल ऑफ सर्विस बिल्कुल सही गाइज इसका सही जवाब है ईव्स ड्रॉपिंग दिस टाइप ऑफ अटैक जहां पर पैकेट को ले लेने की बात करते हैं इंटरनेट पर तो इसको ईव्स ड्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है और जो ये ऐसा अटैक करता है उसको ईव बोलते हैं है ना और इस पूरे टर्म को ईव ड्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है क्लियर है वेरी गुड अगला क्वेश्चन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन अपने आप को बचाने के लिए कंप्यूटर हैकर से आपको इसे ऑन करना पड़ेगा ये क्या है फायरवॉल स्क्रिप्ट एंटीवायरस वीएलसी या ब्राउजर इसका आंसर तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए हमेशा फायरवॉल को इनेबल रखना चाहिए फायरवॉल को ऑन रखना चाहिए तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा फायरवॉल। शानदार वेरी गुड क्लियर है अगला क्वेश्चन सीक्रेट वर्ड और नंबर यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइसेज इज कॉल्ड ये कुछ सीक्रेट वर्ड हैं कुछ नंबर हो सकते हैं कुछ कैरेक्टर हो सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी आपके सिस्टम के डिवाइस यानी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या पूरे पूरे हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा इसका सही जवाब बिल्कुल सही दी करेक्ट आंसर इस पासवर्ड है ना क्या लगा के रखते हैं वही जो, जो आप किसी को बताते नहीं है ना कोई कितना भी पूछ ले लेकिन पासवर्ड किसी को नहीं बताते वही है ये पासवर्ड चाहे ब्रेकअप हो जाए लेकिन पासवर्ड नहीं बताने का है ना तो यही है वो पासवर्ड जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट रखता है जो आपकी चैट्स को प्रोटेक्ट रखता है जो आपकी इज्जत को प्रोटेक्ट रखता है क्लियर है चलो अगला पर्सन हु गेन इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एस तो वो पर्सन जो ले लेता है इलीगल तरीके से आपके कंप्यूटर के एक्सेस को उसे क्या बोलते हैं जल्दी बताओ हैकर क्रैकर पायरेट थीफ या क्रिमिनल बहुत ही सिंपल है हलुआ टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस बिल्कुल सही यानी इलीगल एक्सेस ले लेना दिस इज कॉल्ड हैकर है ना ये किसका काम है बहुत ही शरीफ टाइप ऑफ पर्सन का काम है है ना जिसे प्यार से क्या बोला जाता है हैकर के नाम से बुलाया जाता है है ना तो यही आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है आप कहेंगे ले लो है ना आपके पास में है ही क्या तो ये आपकी इंफॉर्मेशन लेगा भी नहीं आप परेशान मत होइए है ना ये गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन लेगा है ना रतन टाटा बिरला इनकी इंफॉर्मेशन लेगा ये आपकी क्यों लेगा है ना आपके सिस्टम में ऐसा होगा ही क्या जो ये लेगा आपकी फोटो होंगी क्या करेगा लेकर है ना आपकी घर वालों की होंगी या बहुत ज्यादा कुछ चैट होंगी बहुत ज्यादा कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी है ना जी इंग्लिश रीजनिंग मैथ मिल जाएगा कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड मिल जाएगा क्या करेगा मतलब सुसाइड करेगा वो ये लेकर है ना तो उसके किस काम का चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई विच मेलवियर हैज शॉर्ट फॉर रोबोट नेटवर्क रोबोट नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म क्या है मेलवियर में ये आपको बताना है रोनेट्स बॉटनेट बॉटवर्क रोवर्क ऑल ऑफ दिस रोबोट नेटवर्क को इन शॉर्ट बॉटनेट के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है बॉट्स नाम सुना होगा आपने दिस इज कॉल्ड बॉटनेट वेरी गुड क्लियर है अगला क्वेश्चन गाइस वेन अ पर्सन इज हेरास्ड रिपीटेडली बाई बींग फॉलोड कॉल्ड और बी रिटर्न टू ही और शी इज अ टारगेट ऑफ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो इसको वेन पर्सन इज हेरास जब पर्सन को बहुत किया जाता है बहुत परेशान किया जाता है बार बार बाई कोई उसका पीछा कर रहा होता है कॉल्ड और बी है ना कोई इसको टारगेट बनाकर है जहां वो जाएगा उसके पीछे जाएगा वो कंप्यूटर पर क्या कर रहा है है ना जैसे कई ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिनका काम क्या होता है आपको देखना कि आप पूरे दिन में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं अरे भाई तुम अपने आप को देख लो दूसरे को देखने में ही इंसान अपनी जिंदगी गवाए चले जा रहा है इतना कीमती मतलब इतनी योनियों के बाद में एक इंसान बनता है है ना सोचो कितनी तपस्या की होंगी आप लोगों ने कितने अच्छे कर्म होंगे हम लोगों के है ना जो इंसान बने और फिर इंसान बन के करता क्या है दूसरे इंसान का पीछा हद है मतलब कसम से तो ऐसे इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कर क्या कहते हैं जो पूरी जिंदगी पीछा करने में निकाल देते हैं है ना दिस इज कॉल्ड स्टॉकर इनको स्टॉकर के नाम से जाना जाता है तो कहां है भाई स्टॉकर सेकंड नंबर पे लगाओ और आगे बढ़ो क्लियर है है ना तो अमित कुमार बुलिंग नहीं होता है दिस इज कॉल्ड स्टॉकिंग जानते हैं ना मतलब जो लड़कियों का बहुत ज्यादा पीछा करते हैं है ना तो लड़कियां बहुत आसानी से जानती होंगी है ना उनको कहते हैं स्टॉकर्स तो जो पीछा करते हैं वो समझ लें वो स्टॉकर हैं क्लियर है चलो डब्ल्यू पी ए टू इज यूज फॉर सिक्योरिटी बताइए गर्ल्स रही हैं बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं जानते हैं चलो डब्ल्यू पी ए टू इज यूज फॉर सिक्योरिटी डब्ल्यू पी एज सिक्योरिटी यूज किया जाता है किसमें यह आपको बताना है ईथरनेट में ब्लूटूथ में वाईफाई में लैन में या पीडीए में जल्दी बताइए देखो डब्ल्यू पी ए टू की full form क्या है पहले तो यह समझ लो और फॉर्म समझ ली तो आंसर का खुलासा अपने आप हो जाएगा डब्ल्यू पी ए टू की फुल फॉर्म होती है वाई फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस यानी वाई फाई को प्रोटेक्ट करने के लिए WPA2 पी ए टू इस प्रोटोकॉल या आप कह सकते हैं इस टेक्निक का यूज किया जाता है है ना तो यानी ये टेक्निक किसके लिए यूज हो रही है वाई फाई के लिए लगाओ आंसर वाई फाई और आगे बढ़ो क्लियर है <laughs> अमित कुमार वर्मा जी कह रहे हैं वो कभी किया नहीं सर चलो देखो प्यार होता नहीं है ना हो जाता है चलो प्रेटी गुड प्राइवेसी पीजीपी तो प्रेटी गुड प्राइवेसी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है फटाफट बताइएगा इस पीजीपी प्रेटी गुड प्राइवेसी इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ब्राउजर सिक्योरिटी ईमेल सिक्योरिटी एफ सिक्योरिटी सर्च इंजन या ऑल ऑफ दी पीजीपी एक सिक्योरिटी है जिसका इस्तेमाल ईमेल के सेंस में करते हैं

प्रेटी गुड प्राइवेसी के टर्म्स में देखा जाता है क्लियर है वेरी गुड अगला क्वेश्चन वेन वॉज आई टी एक्ट नोटिफाइड वेन वॉज आई टी एक्ट नोटिफाइड ये सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए वट इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस आई टी एक्ट किस ईयर में आया बिल्कुल सही जवाब है 2000 में आया और मिस्टर प्रमोद महाजन लेकर आए है ना कौन लेकर आए मिस्टर प्रमोद महाजन किस ईयर में 2000 में लगाओ नंबर थ्री पर आंसर और आगे बढ़ो आईटी एक्ट एमेंडेड इन विच ईयर आईटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए और ये कौन सा साल था जब आईटी एक्ट में बदलाव किए गए बिल्कुल सही आठ साल के बाद में बदलाव किया गया और ये साल रहा 2008 इसलिए आईटी एक्ट एमेंडेड टू थाउजेंड एट भी कहा जाता है है ना तो याद रखिएगा चेंजेस हुए 2008 में बना 2000 में किसके द्वारा बनाया गया प्रमोद महाजन जी द्वारा आगे बढ़ो सी एफ डबल ए की फुल फॉर्म क्या है सी एफ डबल ए की फुल फॉर्म क्या है वेरी गुड गाइज एंड आंसर इज कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट यानी कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल जितने भी क्राइम हैं, डिजिटल जितने भी फ्रॉड हैं, इन सबको सी एफ एफ सी एफ ए के अंदर रखा जाता है सी एफ ए स्क्वायर या सी एफ ए के अंदर रखा जाता है क्लियर है याद रखिएगा अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है अगर आपकी इंफॉर्मेशन को इवन कोई देखता भी है तो इसको भी कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट के अंदर रखते हैं अगला विच इज एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बताइए ये एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसे किस नाम से जानेंगे आई आर सी इंटरनेट इंटरनेट रिले चैट पी टू पी पीयर टू बॉट्स पॉइंट ऑफ सेल क्या होगा देखो एस बी आई में भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंट ऑफ सेल से है ना तो इसको जरूर याद रखिएगा कि कहीं पर भी आपको यह क्वेश्चन मिले कि मॉल में है ना डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए या इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आंसर क्या होगा पॉइंट ऑफ सेल होगा और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं आंसर है बॉट आंसर क्या है बॉट है क्लियर है बॉट जो कि अभी हमने बताया इसको रोबोट भी कहते हैं है ना दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रोबोट्स अगला डी डी ओ एस इज डीडीओस क्या है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यानी नेटवर्क पर जब बंबार्डमेंट होती है किसी भी रिक्वेस्ट की तो इस केस में जो नेटवर्क होता है जो सर्वर होता है वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है जिसको डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं और डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डी क्लियर है सिस्टम इन अ बॉटनेट आर आल्सो कॉल्ड एस जो बॉटनेट केस में अगर हम बात करें जो सिस्टम होते हैं बॉटनेट केस में इन सिस्टम्स को क्या बोला जाता है रोबोट फायरवॉल वॉल मेलवेयर वायरस या जोम्बिस तो बिल्कुल सही गाइस बॉटनेट के केस में जो कंप्यूटर होते हैं जो सिस्टम होते हैं या जो मोबाइल फोन होते हैं इनको जोम्बिस के नाम से बुलाया जाता है किस नाम से जोम्बिस अगला इट इज अ डिसिप्लिन दैट कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ लॉ एंड कंप्यूटर साइंस कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन यानी ये एक डिसिप्लिन है एक स्ट्रीम है जो कंबाइन एलिमेंट को रखती है लॉ और कंप्यूटर साइंस के भी कुछ नियम कानून हैं कंप्यूटर साइंस के भी कुछ नियम कानून हैं उनको कलेक्ट करके रखना उन पर निगरानी करना उनको एनालाइज करना ये किस डिपार्टमेंट का या डिसिप्लिन का काम है जल्दी बताइए बिल्कुल सही गाइज एंड दी करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम यानी आप लोग देखते हैं आप लोग ने सुना होगा जब कहीं पर कोई दुर्घटना होती है है ना जैसे किसी पर्सन के यहाँ कुछ भी हुआ तो सबसे पहले आके उसके मोबाइल को ले लिया जाता है उसके कंप्यूटर को ले लिया जाता है उसके लैपटॉप को ले लिया जाता है ना और जो चैट होती है उन चैट को रिकवर किया जाता है तो ये चैट को रिकवर करने का काम कौन करती है साइबर फोरेंसिक की एक्सपर्ट टीम करती है है ना यानी डेटा के साथ में जितना भी काम है वो सब साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम करती है अगला क्वेश्चन गाइस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलीगली ऑप्टेन्ड मनी विद द गोल ऑफ हाइडिंग इट्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किसी भी मनी का जहां पर यही पता नहीं चल रहा कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां पर गया इस फ्रॉड को क्या बोलेंगे देखो आपने मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना होगा है ना जीए में आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि जहां पर पैसे का आने का और पैसे के जाने का यानी सोर्स और डेस्टिनेशन पता ही नहीं उसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलेंगे लेकिन अगर यही काम डिजिटल किया जाए जैसे बिटकॉइन की मदद से है ना ऐसा कई बार होता है तो दिस इज कॉल्ड साइबर लॉन्ड्रिंग क्या बोलते हैं साइबर लॉन्ड्रिंग जाएगा क्लियर है Bitcoin इसका सबसे अच्छा है है ना क्योंकि बिटकॉइन की मदद से ये जितनी भी आपकी ब्लैक रैकेट्स चलते हैं है ना मार्केट के अंदर डिजिटल फ्रॉड जो होता है वो बिटकॉइन की मदद से ही होता है क्योंकि बिटकॉइन की मदद से आप एप्पल के फोन को है ना जो कि इतना महंगा है दस पंद्रह हजार रुपए में भी खरीद सकते हैं कई सारे जैसे टॉर ब्राउजर के थ्रू ये होता है है ना जितने भी ये काम होते हैं वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्राउजर के थ्रू होते हैं जिनको टॉर ब्राउजर के नाम से जाना जाता है तो कभी पढ़ाएंगे उसके उसके लिए भी अलग से है ना क्या वो स्ट्रेटजी है कैसे होता है अगला क्वेश्चन द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेस मेटीरियल दैट सेक्शुअली एक्सप्लॉयड अंडर एज चिल्ड्रन इज नोन एज यानी कंप्यूटर नेटवर्क का वो हिस्सा जहां पर एक्सेस दिया जाता है एक्सेस किया जाता है ऐसे कंटेंट को जो कि अलाउड नहीं है अन अलाउड कंटेंट है ना जो कि आम पब्लिक को एक्सेस नहीं करना चाहिए उसको भी वीपीएन के थ्रू एक्सेस किया जाता है और इसके थ्रू जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्सप्लॉयड होते हैं तो इस तरीके की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं गाइस बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना दिस इज कॉल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब उन वेबसाइट को एक्सेस कर लेना जिनकी परमिशन भी नहीं है खासतौर पे अंडर 18 तो बिल्कुल भी नहीं दिस टाइप ऑफ एक्ट इज कॉल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर डबल स्टार मार्क करो पहले फटाफट भूलना नहीं इस क्वेश्चन को यानी आईपी एड्रेस और डोमेन नेम सिस्टम इन दोनों को हैक कर लेना क्या कहलाता है जैसे आपके सिस्टम का कोई आईपी एड्रेस ले ले और अगर आपको याद हो तो व्हाट्सएप की ये जो प्राइवेसी वाली बात आई थी ना उसमें ये बात भी सामने आई थी कि व्हाट्सएप ने कहा था कि हम आपके मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस लेंगे हम आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस ले लेंगे है ना तो इस तरीके के क्राइम को क्या बोला जाता है बताइए बिल्कुल सही गाइस एंड करेक्ट आंसर इज स्पूलिंग सॉरी स्पूफिंग है ना इस तरीके के एक्ट को स्पूफिंग कहा जाता है यानी सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है स्पूलिंग मतलब तो होता है प्रिंटर के केस में है ना स्पूलिंग क्या होता है समझ लो स्पूलिंग मतलब कि जब प्रिंटर की जो आप रिक्वेस्ट करते हैं और प्रिंटर उस रिक्वेस्ट को क्यू में लगाता है कि किसे प्रिंट पहले देना है किसे प्रिंट बाद में देना है इसे स्पूलिंग इस कहते हैं और स्पूफिंग क्या है जब भी एग्जाम में आईपी एड्रेस की बात हो डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर की बात हो तो इसमें आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा स्पूफिंग स्निफिंग क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं याद रखिए स्निफिंग क्या होता है गाइस मॉनिटर करना यानी दो चीजें मैंने आपको स्निफिंग में बताई हैं कहीं भी मॉनिटरिंग की बात हो छुप छुप के देखने की बात हो है ना डेटा को ट्रैक करने की बात हो फोन टैपिंग की बात हो ये स्निफिंग है फिशिंग क्या है यानी क्लोन बना लिया फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा धोखाधड़ी करी है ना या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वेबसाइट का क्लोन बना लिया फेसबुक जैसी एक्टिविटी है ना तो इस तरीके के क्राइम को फिशिंग कहते हैं स्पूलिंग भी समझ में आ गया स्निफिंग भी आ गया स्पूफिंग भी आ गया आगे बढ़ते हैं एमंग दीज नेम दी वायरस जल्दी बताओ हाँ बिल्कुल सही इमरान जी बिल्कुल सही वीपीएन से आईपी एड्रेस चेंज होता है बिल्कुल सही कहा आपने है ना आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है बेसिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है है ना तो वो पता नहीं चलता कि कहां से वो हैकिंग हो रही है या कहां से वो चीज हो रही है बिल्कुल सही इनमें से कौन सा एंटीवायरस है Norton एंटीवायरस है AVG एंटीवायरस है Panda ये भी है Kaspersky ये भी है यानी सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज ये सभी आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं क्लियर है शानदार टैलेंटेड है आप लोग इसमें कोई शक नहीं वेरी गुड अगला क्वेश्चन नेम द फर्स्ट रैनसम वेयर देखिए हमने कहा था कि 51 है ना शगुन का नंबर होता है 51 तो 51 क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करेंगे और सचिन सर जितना वादा करते हैं उससे ज्यादा देते हैं है ना तो इसलिए 51 नहीं 52 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस होंगी तो एक ज्यादा होगा नेम द फर्स्ट रैनसमेयर तो पहले रैनसमेयर का नाम बताइए ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में फटाफट बताओ नेम द फर्स्ट रैनसम वेयर एड्स बिल्कुल सही जवाब है पीसी साइबोर्ग ये भी सही जवाब है देखो एड्स का दूसरा नाम है पीसी साइबोर्ग ना तो पहला जो रैनसम आपका बना था वो एड्स नाम से था जिसका नाम आगे चल के पीसी साइबोर कर दिया गया तो यानी आंसर यहां पर होगा थर्ड बोथ ऑफ क्लियर है The answer is both of these. Cry. ये भी मैंने बताया कि आपको क्या ये भी आपका रैनसमेयर है लेकिन ये कब आया 2017 में आया और रैनसमेयर बना कब यानी एड्स और साइबोर्ग की अगर हम बात करें तो ये 1989 में आया ठीक और वनाक्राय अगर ये पूछा जाए एग्जाम में है ना किसी ने लिखा था फोर्थ किसने लिखा था लेट मी चेक अपर्णा कुमारी अपर्णा कुमारी जी फोर्थ आंसर तब होगा जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा रैंसम, रैंसम वेयर है जो सबसे खतरनाक है तो अब तक का सबसे खतरनाक रैंसमवेयर कौन सा है तो आंसर होगा वनाक्राय 2017 में आया कई सारे देशों पर इसने डेटा पर हमला किया है ना जिसको रोक पाना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है वन लोकी भी आपका रैनसमेयर है है ना बाकी बैड रैबिट के नाम से भी आता है ये भी अटैक हुआ है है ना तो ये सब आपके रैनसम के ही एग्जाम्पल है टाइप ऑफ वायरस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वायरस दैट कीप चेंजिंग टाइप एंड सिग्नेचर ऑफ वायरस ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बताइएगा ये एक वायरस का टाइप है जो चेंज होता रहता है जो बदलता रहता है समय के साथ जो अपने सिग्नेचर को बदल लेता है जो अपने स्टाइल को बदल लेता है जो अपने प्रकार को बदल लेता है जो अपने आप को बदल लेता है है ना तो इस तरीके के वायरस को क्या कहते हैं फटाफट बताइए बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज पॉलीमॉर्फिक वायरस इस तरीके के वायरस को पॉलीमॉर्फिक की कैटेगरी में रखते हैं गाइस एक मिनट थोड़ा सा पीछे आएंगे यहां पर पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है गाइस पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है आपने पढ़ा होगा पॉली मींस मैनी फॉर्म दैट इज कॉल्ड पॉली और पॉलीमॉर्फिक वायरस मतलब गिरगिट यानी जो अपनी पहचान को अपने सिग्नेचर को पल पल बदले ऐसा वायरस है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस तो कहीं पर भी चेंजिंग टाइप चेंजिंग सिग्नेचर इस तरीके से अगर आपको मिले तो आंसर होगा पॉलीमोर्फिक वायरस क्लियर है तो गाइस यहां से आपकी 52 क्वेश्चन का जो सेशन था वायरस मैलवेयर को लेकर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता यानी यहां से आपको सब कुछ कवर हो चुका है ना तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे चाहे कोई भी एग्जाम हो है ना तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन डू योर बेस्ट अच्छे से करिएगा है ना और यहां पर आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर आपका कोई कमेंट हो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा फाइन गाइज तो चलिए थैंक यू वेरी मच मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय एड टेक केयर थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू